मैं प्रीति राजपूत। 2 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस का अब तक का सबसे बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि इस दिन रिलीज हो रही है ऋतिक टाइगर की फिल्म वॉर। वॉर में ऋतिक और टाइगर के बीच धमाकेदार एक्शन तो होंगे ही, साथ ही डांस वॉर भी होगी, जिसकी एक झलक मिल भी चुकी है। जी हाँ, फिल्म वॉर का सॉन्ग जय जय शिवशंकर रिलीज हो गया है। ऋतिक और टाइगर दोनों के ही डांसिंग मूव जबरदस्त हैं। 2 मिनट के इस गाने में ऋतिक और टाइगर के बीच धमाकेदार डांस बैटल की धूम है, जिसकी पूरी झलक 2 अक्टूबर को देखने को मिलेगी। वैसे भी जैसे जैसे रिलीज डेट पास आ रही है, फैंस का एक्साइटमेंट बढ़ता जा रहा है। YouTube पर फिल्म के ट्रेलर को 47 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। फिल्म का फर्स्ट सॉन्ग घुंघरू भी धमाल मचा रहा है। इस गाने में ऋतिक और वाणी की लाजवाब केमिस्ट्री देखने को मिली थी। ऋतिक और टाइगर एक साथ किसी फिल्म में आ रहे हों और उनके बीच डांस का महामुकाबला ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। वॉर में ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के बीच डांस का महामुकाबला काफी शानदार है। वैसे आने वाली तो दिवाली है, लेकिन फिल्म का ये सॉन्ग है एक होली ट्रैक, जिस पर दोनों अपने जबरदस्त डांसिंग मूव से लोगों का दिल जीत रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस सॉन्ग पर ऋतिक और टाइगर के बीच मुकाबला हो रहा है, वो सॉन्ग कोई और नहीं बल्कि साल 1974 में रिलीज हुई राजेश खन्ना और मुमताज की फिल्म आपकी कसम का सॉन्ग जय जय शिवशंकर है। फिल्म आपकी कसम के सॉन्ग जय जय शिवशंकर पर राजेश खन्ना और मुमताज ने उस समय जबरदस्त डांस किया था, जिसकी वजह से ये सॉन्ग एवरग्रीन बन गया। अब उसी गाने की हुक लाइन पर बी टाउन के 2 सबसे बड़े डांसर्स अपने डांस का जलवा बिखेर रहे हैं। फिल्म वॉर के पहले सॉन्ग की हुक लाइन के घुंघरू टूट गए एक पुराने सॉन्ग से ली गई है। ठीक उसी तरह फिल्म के इस गाने की हुक लाइन भी जय जय शिवशंकर से है। वैसे भी इन दिनों बॉलीवुड में रीमेक सॉन्ग का ट्रेंड चल रहा है, ऐसे में जय जय शिवशंकर को नई लिरिक्स और बीट पर सुनना काफी इंटरेस्टिंग है। ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ के इस गाने को पिछले महीने ही मुंबई में शूट किया गया था। इसी के साथ फिल्म की शूटिंग भी खत्म हो गई थी। मेकर्स इस गाने को जबरदस्त हिट बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और गाने को मिले व्यूज से तो लग भी रहा है कि ये गाना ऑलरेडी सुपर हिट हो गया है। वैसे ऋतिक कितना अच्छा डांस करते हैं ये पूरा बॉलीवुड जानता है, वहीं टाइगर के डांस के भी कम दीवाने नहीं हैं। यही वजह है कि सॉन्ग में ये डिसाइड करना मुश्किल हो रहा है कि कौन बेस्ट डांसर है, ऋतिक या टाइगर। जय जय शिवशंकर सॉन्ग को विशाल शेखर ने कंपोज किया है, वहीं सॉन्ग पर ऋतिक और टाइगर के साथ 500 डांसर्स डांस कर रहे हैं। सॉन्ग को मशहूर कोरियोग्राफर बॉस्को सीजन ने कोरियोग्राफ किया है। कोरियोग्राफर ने 1 महीने तक इसके स्टेप तैयार किए हैं, जिसके बाद इसे शूट किया गया। मेकर्स इसे सदी का सबसे बड़ा हिट नंबर बनाना चाहते थे। ऋतिक टाइगर की डांस बैटल को लेकर सिद्धार्थ आनंद ने कहा था, फिल्म की शुरुआत के बाद से ही लोग अनुमान लगा रहे थे कि जब वॉर में देश के 2 सबसे बड़े डांसर ऋतिक और टाइगर हैं, तो फिल्म में इनका डांस भी जरूर होगा। भारत के 2 सबसे बड़े एक्शन हीरो पहली बार पर्दे पर एक साथ, और अब दोनों को एक साथ डांस करते हुए देखने के लिए दोनों के फैंस बेकरार हैं, जो बेकरारी जय जय शिवशंकर के साथ खत्म हो गई है। फिल्म में फीमेल लीड रोल प्ले कर रही हैं वाणी कपूर। फिल्म में ऋतिक और टाइगर एक स्पाई का रोल प्ले कर रहे हैं। सिद्धार्थ आनंद ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, वहीं इस फिल्म को आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया है। रिलीज किए गए प्रोमोज में ऋतिक और टाइगर के एक्शन सीन्स और फाइट सीन्स देखने को मिल रहे हैं। मूवी के ट्रेलर रिलीज के बाद से ही फैंस 2 टीमों में बंट गए हैं, टीम ऋतिक और टीम टाइगर। वैसे इस वॉर में कौन जीतेगा ये तो 2 अक्टूबर को पता चलेगा, लेकिन जो भी जीते मजा सबको आने वाला है। तो ये थी फिल्म वॉर के न्यू सॉन्ग जय जय शिवशंकर की कहानी। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपने हमारे चैनल HS न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें HS न्यूज, और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।